और सीधे गोरखपुर चलेंगे, जहां गोरखपुर के रामगढ़ ताल में क्वीन क्रूज का लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। एक फाइव स्टार होटल का और अब हम यहाँ पे एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज को यहाँ पे लोकार्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को, गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम जितना अच्छा अपना शहर रखेंगे उतना पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो नए रोजगार के सृजन भी होंगे। ये सभी जैसे जीवन चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही यह एक चक्र है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा माहौल मिलेगा तो लोग सुरक्षा का एहसास करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, कोई व्यापार करेगा, कोई यहां पे निवेश करेगा, कोई रोजगार के लिए आएगा, कोई रोजगार देने के लिए आएगा और हर एक क्षेत्र में विकास होगा और सर्वांगीण विकास के पथ पर हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा और 2047 आते आते प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत एक विकसित भारत होगा, जिस भारत में सर्वत्र खुशहाली होगी। उसी खुशहाली के लिए ढेर सारी उन संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है जहां हम जा सकते हैं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को फोर लेन में, फोर लेन को सिक्स लेन या एट लेन में, एट लेन को ट्वेल्व लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी, सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ताल आज से 6 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले यहां के बारे में, यहां के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे, आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है। चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है, देखिए क्या चमकती हुई लाइट, रात्रि को कोई इधर से गुजरता है या कोई बाहर से देखता है उसको लगता ही नहीं कि वो गोरखपुर में है। और इन सभी को विकसित करने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयास निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और वाटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को भी हम तेजी के साथ यहां बढ़ा सके, इसके लिए विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग से कहूंगा कि वह इसके तेजी से कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से अनुरोध है कि आप अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ तालियों के साथ हम सभी